दोस्तों नोकिया की तरफ से आपको 2023 में देखने को मिल सकता है नोकिया X2 5G एंड्रॉइड कीपैड फ्यूचर फोन। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग फोन होने वाली है ये। आपको एंड्रॉइड के साथ में नीचे कीपैड भी देखने को मिलेगा और 5G भी रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आपको 4 इंच का एक 720 वाला HD स्क्रीन देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 12 के साथ में, और नीचे आपको कीपैड देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस का 5G प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। 16GB इंटरनल 2GB रैम, 32GB इंटरनल 3GB रैम आपको दो वेरिएंट का देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। बॉक्स के साथ में आपको टाइप सी चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बड़ी बात है कीपैड फ्यूचर फोन के साथ में आपको 4000 mAh बैटरी के साथ में टाइप सी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में रियर साइड में आपको सिंगल 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, फ्रंट साइड में आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और हां दोस्तों सभी तरह के सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लॉक शॉक लगा पाओगे। तो अगर बात कर ले कि ये कब तक देखने को मिलेगा, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, देखिए जहां तक अपडेट मिल रहा है दोस्तों ये आपको 799 पर देखने को मिल सकता है, और ये वर्ल्ड का पहला 5G कीपैड एंड्रॉइड प्लस कीपैड फोन होने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। और इसी साल यानी कि आपको अगस्त तक देखने को मिल सकता है। तो नीचे कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा ये नोकिया का 5G कीपैड एंड्रॉइड फोन।